मेरी होगी। माननीय श्री कांचीराम जी ने तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कानूनी अधिकार दिए, उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो माननीय श्री कांचीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी के नाम से आपको पॉलिटिकल प्लेटफार्म दिया और आप लोगों को ये कहा कि आप लोग इस अपनी इस पार्टी को मजबूत बनाकर तो आप लोग सेंट्रल और स्टेट में आप लोग पावर में आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, एससी एसटी ओबीसी के अलावा जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं उसमें पूरे कंट्री में आपके तेलंगाना में भी आंध्रा में भी मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। मुस्लिम समाज की हालत वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार चल रही है जो हर मोर्चे पर फेल हुई है, हर समाज के लोग दुखी हैं, हर विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोग दुखी हैं, गरीब मजदूर बेरोजगार किसान छोटे व्यापारी सभी दुखी हैं। तो ऐसी स्थिति में तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एससी एसटी ओबीसी वर्गों के लोग ही दुखी नहीं हैं, अपर कास्ट में से गरीब लोग भी दुखी हैं, बेरोजगार लोग भी दुखी हैं, हर क्षेत्र के लोग दुखी हैं और कांग्रेस के समय से लोग दुखी हैं। इनकी गलत नीतियों गलत कार्य प्रणाली की वजह से कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा, बीजेपी पावर में आई। आप लोग सोचते थे सेंटर में बीजेपी पावर में आएगी तो शायद वो अच्छे दिन दिखाएगी, आप लोग ये सोच रहे थे। बीजेपी ने कहा था पिछले लोकसभा आम चुनाव में कि बीजेपी यदि सेंटर में पावर में आती है तो पूरे कंट्री में जो गरीब लोग हैं तो हर गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को विदेशों में जो काला धन जमा है उसको हम 100 दिन में वापस लाकर हर मेंबर को देंगे 15 से 20 लाख रुपए। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बने हुए 5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, कि आपके तेलंगाना में किसी भी गरीब आदमी को 15 लाख या 20 लाख रुपए किसी को मिले हैं? मैं समझती हूँ किसी को नहीं मिले हैं। इसलिए मेरा आप लोगों को कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो चुनावी वायदे किए थे उसको उन्होंने पूरा नहीं किया, लगभग 1/4 हिस्सा भी काम उसका पूरा नहीं किया है। और इतना ही नहीं, अब बीजेपी फिर से नए नए चुनावी वायदे कर रही है तो आप लोगों को उनके बहकावे में नहीं आना, गुमराह नहीं होना है। और बीजेपी के लोग जो अब ये नए नए वायदे कर रहे हैं उनसे आपको एक ही सवाल पूछना चाहिए कि पहले आप जो पिछले 5 साल का जो हिसाब है, जो आपने पिछले लोकसभा चुनाव में चुनावी वायदे किए थे, पहले आप उसका हिसाब दो, बाद में ये नए वायदों की बात करो। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी ने भी, यदि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में लंबे अरसे तक सेंटर में रहे, आपके स्टेट में भी रहे, यदि इन्होंने अपने वायदों को पूरा किया होता तो कांग्रेस पार्टी आज सत्ता से बाहर क्यों होती? अब कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी की तरह तो प्रलोभन भरे वो वायदे कर रही है, गरीबी हटाने के लिए वो किस्म किस्म के वायदे कर रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिन राज्यों में आज जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम गरीबी हटाएंगे और गरीब जो व्यक्ति है उसको हम 1 साल में 72,000 रुपए देंगे, मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहती हूँ, इंडिया में अपने देश में जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो वहां पर तो पहले इस फार्मूले को लागू करना चाहिए। जब वहां पर ये लागू नहीं कर पा रहे तो पूरे कंट्री में कैसे लागू कर पाएंगे? तो इसलिए आप लोगों को बीजेपी की तरह तो कांग्रेस के भी आप लोगों को ये तो इनके जो किस्म किस्म के जो वायदे अब चुनाव में कर रहे हैं तो आप लोगों को इनके बहकावे में आप लोगों को नहीं आना है, ना बीजेपी के और ना कांग्रेस के। और यहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं, जिनको आप आजमा चुके हैं, श्री केसीआर की पार्टी को आप आजमा चुके हैं, तो लेकिन आप लोगों का कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है।
आप लोग का बगल का स्टेट है आंध्रा, वहाँ पर भी आप लोगों को मालूम है कोई खास विकास जनता का नहीं हुआ है। तो मेरा आप लोगों को यही कहना है कि आंध्र प्रदेश के लोग भी और तेलंगाना प्रदेश के लोग भी अब आप लोग बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और जब आप लोग परिवर्तन चाहते हैं तो आप लोगों को फिर घिसे पिटे लोगों को सामने नहीं लाना चाहिए, ना स्टेट में ना सेंट्रल में। आप लोगों को ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए जिनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं होता है, जो कहते हैं उसको करके भी दिखाते हैं। आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी को 4 बार वहां सरकार बनाने का मौका मिला मेरे नेतृत्व में। हमने उत्तर प्रदेश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर वहां के लोगों को बेहतरीन सरकार दी। और मुझे पूरा भरोसा है कि बीएसपी से प्रभावित होकर तो जन सेना के जो अध्यक्ष हैं श्री पवन कल्याण भी, वो भी तो उत्तर प्रदेश में जो हमारी गवर्नमेंट रही है और हर क्षेत्र में जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वहाँ की जनता को, उससे वो काफी प्रभावित हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा आंध्र प्रदेश के जो आपका पड़ोसी स्टेट है, आंध्र प्रदेश के लोग इस कोशिश में है, वहाँ की जनता बदलाव चाहती है और चाहती है कि वहाँ पर कोलिशन की सरकार बने, बीएसपी जनसेना की जो मिली जुली सरकार बने। और वहाँ का जो मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का श्री पवन कल्याण जी को बने, ऐसा वहाँ के लोगों की चाहत है। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यदि केंद्र में आपका तेलंगाना में लोकसभा के लिए अलायंस हुआ है, यदि आप लोगों ने तेलंगाना में तो अपने अलायंस को के जो अपने कैंडिडेट हैं उनको आप लोगों ने जिताकर भेजा, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को जिताकर भेजा, और देश के अन्य राज्यों में भी यदि हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है, उत्तर प्रदेश में तो हमको जरूर मिलेगा, वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन की वजह से बीजेपी की हालत बहुत खराब है। और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, पूरी ताकत उनकी उधर उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। और 7 अप्रैल से मेरा उत्तर प्रदेश में दौरा शुरू हो जाएगा। और आप लोगों को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से इतना बड़ा, काफी बड़ा स्टेट है, और देश के प्रधानमंत्री का फैसला कहां से होता है? उत्तर प्रदेश से होता है। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूं कि यदि इस बार बदलाव कुछ आया और लोगों ने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया, सही पार्टी के लोगों को वोट दिया, तो सेंटर में जरूर परिवर्तन आएगा और बीजेपी सत्ता से जरूर बाहर होगी। बीजेपी के बारे में मालूम है आप लोगों को, बीजेपी ने नोटबंदी और जीएसटी की वजह से, जिस वजह से बीजेपी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में जीएसटी और नोटबंदी, तो बिना पूरी तैयारी के जल्दबाजी में जिस प्रकार से उसको लागू किया गया और पूरे देश में गरीबी बेरोजगारी बढ़ी, अर्थव्यवस्था के पर बुरा असर पड़ा, और इसका भी सबसे पहले विरोध पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ने किया था और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश की जनता बहुत दुखी है, आप लोग भी दुखी हैं, और यदि परिवर्तन होता है और सेंट्रल में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो हम लोग फिर सेंट्रल में पूरे देश के अंदर सत्ता में आने के बाद तो उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर चलकर पूरे कंट्री में हम लोग सर्वजन हिताय वे सर्वजन सुखाय की सरकार चलाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ आपके तेलंगाना स्टेट की जो भी यहाँ की स्थानीय समस्याएं होगी उनका समाधान किया जाएगा, यहाँ के वीकर सेक्शन के लोगों का प्राथमिकता के आधार पर हर मामले में हर स्तर पर पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी इन सब बातों पर पूरा ध्यान देंगे और पूरी ईमानदारी निष्ठा से
ये जो हमारा कोलेशन हुआ है, गठबंधन हुआ है बहुजन समाज पार्टी और जनसेना का, तो ये आप लोग ये गठबंधन मिलकर आपके तेलंगाना में जितने लोकसभा की सीटें हैं ये गठबंधन जो मिलकर चुनाव लड़ रहा है, तो आप लोग एक दूसरे को अपना वोट ट्रांसफर करके तो गठबंधन के लोकसभा के उम्मीदवारों को आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग जिताएंगे। और मैं आप लोगों से अब यही अपील करती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के तहत जो हमने कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो मेरी गठबंधन के लोगों से अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को आप लोग बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर भारी वोटों के अंतर से कामयाब बनाएंगे। इसी प्रकार जनसेना पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो उनका चुनाव निशान गिलास है। आप लोग गिलास चुनाव चुन के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाएंगे। आप लोग गठबंधन के अलायंस के अपने उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा जिताकर भेजेंगे पार्लियामेंट में। इसमें हमें जरूरत है। तेलंगाना प्रदेश के लोगों से मेरी अपील है कि हमें सेंटर में आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से बनकर आए, आपकी जरूरत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट जिताकर भेजेंगे। ऐसी मैं अपील के साथ अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।